पूरी दुनिया में मौसम का जो कैलकुलेशन है वो बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। कहीं आग तबाही मचा रही है, कहीं अकाल, कहीं जबरदस्त बाढ़। कनाडा के ओटावा में तूफान के बाद भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं और चीन में फिर से नए तूफान का खतरा मंडरा रहा है। पिछले हफ्ते आए तूफान की वजह से पश्चिमी चीन के कई शहर डूबे हुए हैं। जहां से पानी निकल चुका है वहां तबाही के निशान है। 8 साल पहले शी जिनपिंग ने बाढ़ को कंट्रोल करने की प्लानिंग की थी, वो फेल हो चुकी है। ये धधकती हुई आग, विनाशकारी बाढ़ है तो कहीं अकाल काल बना हुआ है। ये सिर्फ तस्वीरें भर नहीं, ये प्रकृति का प्रतिशोध, ये प्रतिकार, ये कुदरत की कुदृष्टि है, ये इंसानी कारगुजारियों की कीमत है। देख लीजिए, जब नेचर की नजर थोड़ी सी टेढ़ी हुई तो नक्शा कैसे बदल गया। वैश्विक मानचित्र के एक हिस्से में पानी के प्रचंड प्रहार से हाहाकार मचा हुआ है। तो ठीक इसी वक्त दुनिया का एक कोना अग्निकुंड सा बना हुआ है। और एक बड़ी आबादी सूखे का सामना कर रही है। चारों तरफ आफत है, धरती एक बड़ी त्रासदी से साक्षात्कार कर रही है और लोग बेबसी की बेड़ियों में बंधे हुए। ये दृश्य है ड्रैगन के आंगन का, जहां पानी नहीं प्रचंड वेग में प्रलय बह रहा है। भारी तबाही हुई है चीन में, क्योंकि पानी की तेज रफ्तार में कहीं गाड़ियां बह गई, कहीं घर बह गए, कहीं फसल बह गई, सब कुछ छिन्न भिन्न हो चुका है। पिछले एक हफ्ते में पानी ने चीन की छाती पर बर्बादी की ऐसी क्रूर कहानी लिख दी है, जिससे एक बड़ी आबादी त्राही त्राही कर रही है। सुपर पावर से तुलना करने वाले बीजिंग के बादशाह बेबस से। आफत की बारिश ने सिर्फ चीन में तबाही नहीं मचाई, हिंदुस्तान में फिर से दहशत की घंटी बज रही है। देश में कहां कहां फिर से बाढ़ की आहट सुनाई पड़ रही है, आपको विस्तार से बताएंगे, दिखाएंगे कि कैसे हर बांध को तोड़कर यूपी बिहार से लेकर पहाड़ तक फिर से पानी बस्तियों को विवश कर गया है। मगर उससे पहले जान लीजिए कि चीन में जो विश्वर्षा हुई है उससे किस तरह सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया। जहां एक और तबाही के तूफान की भविष्यवाणी की गई, चीन का उत्तरी हिस्सा सबसे ज्यादा पानी की चोट से कराह रहा है, जहां तूफान के बाद आई बाढ़ ने सब कुछ छिन्न भिन्न कर दिया है। अब तक करीब 80 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, जबकि अनाधिकारिक मौत की गिनती कहीं ज्यादा है। बाढ़ में बह चुके लोगों की तलाश अब भी जारी है, जहां तहां पानी भरा हुआ है। जो हेबेई प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, वहां निचले इलाके में अब भी पानी भरा है। बीजिंग के कई हिस्सों में पानी भरा है, लियाओनिंग में भारी तबाही मची है। यूं तो पानी अब शांत है, मगर तबाही के निशान अब भी बिखरे पड़े। कहीं गाड़ियां फंसी हैं, कहीं पेड़ गिरे, कहीं मलबा जमा है। कहीं टूटे हुए घर हैं, लोग बेघर हैं, सड़कें कीचड़ से सनी हुई हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। स्थिति यह है कि 142 करोड़ के मुल्क पर अन्न के संकट की आहट सुनाई पड़ रही है, वो भी तब जबकि डेक्सोरी तूफान के बाद अब खानून का खतरा मंडरा रहा है, यानी चीन पर तबाही वाले तूफान का सेकंड राउंड आना अभी बाकी है। कुदरत ने कैसे चीन पर स्ट्राइक की उसे इस तरह समझिए। इस बाढ़ की वजह से 4 से 5 मिलियन मीट्रिक टन मक्के की फसल का नुकसान हुआ, जो कुल उत्पादन का करीब 2% है।
धान की उपज में करीब 5% की कमी होने का अनुमान। चावल की कीमतें 20% अभी से बढ़ गई। जानकर ताजुब होगा कि कुदरत को मुट्ठी में करने के लिए बेचैन मुल्क चीन में ऐसी तबाही तब दिख रही है जबकि 8 बरस पहले ही ड्रैगन ने स्पंज सिटी नाम की एक पहल शुरू की थी जिसका मकसद आसमानी तबाही से बचना था, बाढ़ से शहर को बचाना था, शहर के बुनियादी ढांचे को बदलकर बारिश के पानी के बेहतर इस्तेमाल की योजना थी, यानी बारिश के पानी का सही वितरण करना था, जल निकासी का विशेष इंतजाम करना था और बारिश के पानी का भंडारण करना था। इसके लिए नहरों और तालाबों को बनाना था क्योंकि कई नदियों पर ईंट और कंक्रीट की ऊंची ऊंची इमारतें बना दी गई। 654 में से 641 शहर ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं। 180 शहर तो हर बरस यूं ही डूबते हैं। इन्हीं में से 64 शहरों को प्रकृति आधारित समाधान के हिसाब से स्पंज सिटी बनाने की तैयारी थी मगर स्पंज सिटी योजना शून्य में सिमटी हुई दिख रही है। इसी का खामियाजा चीन भुगत रहा है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।